हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित मीणा आर्यू में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट क्लियर करना होता है, उसे URETPG बोलते हैं, वो भी MSc में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन खनिज एंजाइम एवं विटामिन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंजाइम में मॉलिब्डेनम प्रोस्टैथिक समूह के रूप में होता है? जो मॉलिब्डेनम है वो प्रोस्टेटिक समूह के रूप में होता है, तो कौन सा होता है साथियों? तो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है। कौन सा? नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा को एंजाइम है? निम्न में से कौन सा को एंजाइम है? तो को एंजाइम की बात करें तो निकोटिनेमाइड, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनेमिक और ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंजाइम संवेदनशील होते हैं, एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? संवेदनशील होते हैं। किसके संवेदनशील होते हैं? तो ये होते हैं आपके पीएच के प्रति। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति के संवेदनशील होते हैं कौन? एंजाइम। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा फॉरफायरिन को एंजाइम है? यानी आपसे क्या पूछा गया है? फॉरफायरिन को एंजाइम तो कौन सा है? तो ये है आपका साइटोक्रोम। कौन सा है? साइटोक्रोम। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? कौन से खनिज होते हैं साथियों? तो लोहे एवं तांबा। इसका राइट आंसर हो गया लोहे एवं तांबा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था किस साइंटिस्ट के द्वारा? प्रतिपादन किया गया था विटामिन का, तो ये किया गया था आपका फुंक ने। किसने? फुंक नामक साइंटिस्ट ने। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से होता है, यानी रोग है नीचे जो विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है रिकेट्स, यानी इसमें क्या होता है कि आप जो बॉडी होती है वो इसमें आदमी बहुत ही पतला हो जाता है रिकेट्स में। ठीक है, हड्डियां निकलने लगती हैं, तो ये बीमारी होती है विटामिन की कमी से। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी जो आपके जैसे एक्सीडेंट में घाव बन जाए या फिर कोई चाकू से कट जाए, तो उस घाव को बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो उसमें विटामिन आपका विटामिन सी सहायक होता है। कौन सा साथियों? विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो ये एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं साथियों? प्रोटीन्स के क्या बने होते हैं? एंजाइम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं? तो किसमें भी पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके प्रोटीन के अंदर। किसमें? प्रोटीन के अंदर साथियों, किसमें? प्रोटीन के अंदर। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए साथियों, मैं बता दूं कि विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन को अच्छे से क्लियर करके जाएं। रोग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग से। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है? तो ये होता है आपका V1। कौन सा विटामिन? V1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जाइमोजंस है, यानी जाइमोजंस क्या है, इसकी बात की जा रही है। तो ये है निष्क्रिय एंजाइम प्रीस्कर। निष्क्रिय एंजाइम प्रीस्कर क्या कहलाते हैं? जाइमोजंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? जाइमोजंस कहलाते हैं। और साथियों, इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को देखना ना भूलें। यहाँ आई बटन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो और प्लेलिस्ट में चेक करें, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, को एंजाइम की खोज किसने की? तो को एंजाइम की खोज की थी आपकी लिपमैन ने। किसने की साथियों? लिपमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है कहलाता है? यानी द्वारा देखिए साथियों, क्वेश्चन कौन सा है कि वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है? यानी एंजाइम क्या कहलाता है? वो एंजाइम क्या कहलाता है जो जो स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। किसकी सहायता से? जल अपघटन की सहायता से। तो क्या कहलाता है? कौन सा एंजाइम है वो? वो एंजाइम है आपका प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम साथियों? प्रोटीएज एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? किसकी बात हो रही है? लाइसोजाइम्स की हो रही है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? लार एवं आंसुओं दोनों में मिलेंगे, यानी जो आपकी लार है सिलाइवा और आंसुओं में क्या मिलेंगे? लाइसोजाइम्स एंजाइम मिलेंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
किसके अणुओं के रासायनिक बंधन से एंजाइम का निर्माण होता है? किसके अणुओं के रासायनिक बंधन से एंजाइम का निर्माण होता है? तो कौन से अणु होते हैं जो बंधन करके किसका निर्माण करते हैं? एंजाइम का। तो ये होते हैं आपके अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एंजाइम का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम किसके संश्लेषण में भाग लेता है? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम किसके संश्लेषण में भाग लेता है? तो ये लेता है आपका NO2 के संश्लेषण में भाग लेता है। किसके में साथियों? NO2 के संश्लेषण में भाग लेता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थ का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थ का पाचन करता है? ठीक है, यानी अरंडी है उसके बीज में जो संचित भोज्य पदार्थ है उसका पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? तो वो करेगा आपका लाइपेज एंजाइम। कौन सा साथियों? लाइपेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंजाइम क्रिया करते हैं, एंजाइम क्रिया करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा घटाकर एंजाइम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने, प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी जो भाग प्रोटीन से बना होता है एंजाइम का उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं साथियों? एपो एंजाइम। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मिला है। और साथियों मैं बता दूं कि इन MCQ क्वेश्चनों को पढ़ के आपका एडमिशन 100% पक्का हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को डेली ईयरफोन लगाकर सुने ताकि आपकी हैबिट में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। किण्वन द्वारा एल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? किण्वन द्वारा एल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया में किस एंजाइम का, यानी जो एल्कोहल बनती है उसमें कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका जाइमेज एंजाइम का। कौन से? जाइमेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की कमी से होता है, यानी कॉपर की कमी से क्या होता है? तो ये होता है आपका एनीमिया तथा केंद्रीय तंत्र को हानि होती है। यानी आपके शरीर में, बॉडी में अगर कॉपर की यानी CU की कमी हो जाए तो क्या होगा कि एनीमिया की तो बीमारी हो जाएगी, इसके बाद केंद्रीय जो तंत्र का तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में हस्तियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? यानी किसकी अनुपस्थिति में, किस विटामिन की अनुपस्थिति में आपकी जो हड्डी होती हैं उनमें किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। ठीक है, और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डी कैसी हो जाएंगी? भंगुर टाइप की हो जाएंगी। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी, और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? आपका सूर्य। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन देखना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं एंजाइम के संदर्भ में असत्य कथन देखते हैं। एंजाइमों को अधिकतम सक्रियता के लिए इष्टतम pH की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, एंजाइम pH पर ही निर्भर करते हैं कार्य अपना। और इसके बाद देखते हैं, अधिक तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, अगर किंतु अपवाद स्वरूप कुछ जीवों में ये 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ अपवाद भी होते हैं। एंजाइम अत्यंत विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एंजाइम किसी जो अभिक्रिया होती है उसकी गति को बढ़ा देते हैं और कम भी कर देते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट तो होंगे ही अपने आप में। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी सही बात है, किंतु कुछ लिपिड भी होते हैं, लेकिन लिपिड नहीं होते, प्रोटीन तो होते हैं, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन भाई बाकी सब सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, यानी साइंटिस्ट का नाम पूछा है। किसका नाम पूछा है आपसे? साइंटिस्ट का नाम पूछा है, जिसने सर्वप्रथम एंजाइम यूरेज को जैक बीन कैनाबेलिया एंसीफोरम्स से पृथक व शुद्ध किया था। द्वारा देखिए क्वेश्चन को कि उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम एंजाइम कौन सा एंजाइम? यूरेज को जैक बीन से पृथक किया था और शुद्ध किया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम है आपका समनर। कौन सा साइंटिस्ट है? समनर। और कब किया था? 1926 में। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बनते हैं आपके न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन सिंथेसिस से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, यानी कोशिका चक्र की जो एस प्रावस्था है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें होती है DNA का संश्लेषण, यानी DNA कौन सी स्टेज में बनता है आपका? एस स्टेज में, एस प्रावस्था में। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि 50 बाहरी DNA अणु N15 वाले दो बार N14 माध्यम में
पुनरावृत्ति करते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके 100 आधे भारी एवं आधे हल्के एवं 100 हल्के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है आरएनए में एडिनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है, जो आरएनए होता है एडिनिन, आरएनए के एडिनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है, तो ये बनाता है आपका यूरेसिल के साथ, ठीक है, यूरेसिल के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में होता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए में दोनों में मिलेगा, तो ये मिलेगा देखो आपका कौन सा मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, ठीक है। और ये केवल आरएनए में पाया जाता है, यूरेसिल केवल कहाँ मिलेगा, आरएनए के अंतर्गत, और ये थाइमिन मिलेगा केवल डीएनए के अंतर्गत, और बाकी साइटोसिल कहाँ मिलेगा, दोनों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरएनए अनुपस्थित होता है, आरएनए कहाँ किस में अनुपस्थित होगा, तो ये देखिए गुणसूत्र में आरएनए मिलेगा, देखो कोश का द्रव्य में भी आरएनए मिलेगा, राइबोसोम में भी आरएनए मिलेगा, लेकिन जीव द्रव्य कला में आरएनए नहीं मिलता है, यानी जो कोश का कला होती है उसे कोश का झिल्ली भी बोलते हैं, उसमें क्या नहीं मिलेगा, आरएनए नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्वावानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, यानी कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कितने होते हैं ग्वावानिन और साइटोसिन के बीच, यानी देखिए ग्वावानिन और साइटोसिन जी और सी के बीच कितने मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, कैसे साथियों ए भी बताऊं, यानी सी ए बी सी डी का कौन सा अक्षर है, तीसरा, तो तीसरे का तीन, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया तीन, ठीक है। इस क्योंकि एक ट्रिक बताइए मैंने, कोई साइंटिफिक वो नहीं है, सत्य नहीं है, आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, आरएनए में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो ये आपका थाइमिन उपस्थित नहीं होता है आरएनए में, बाकी यूरेसिल होगा, राइबोज होगा, फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट शुगर भी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अणु में, डीएनए अणु में इसका राइट आंसर देख लो पहले, क्योंकि ये मेरे को कन्फर्म नहीं हो रहा है, डीएनए अणु में डीएनए अणु दो रोचक होता है, ये तो आपको पता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं 5' से 3' दिशा में, तथा दूसरा 3' से, बिल्कुल राइट आंसर, देखिए एक जो होती है वो 3' से 5' की तरफ, और दूसरी होती है वो 5' से 3', तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा सन 1953 में दिया गया डीएनए है, वो डीएनए कौन सा दिया गया था, वीडीएनए दिया गया था, कौन सा साथियों, वीडीएनए, कौन किसने, वाटसन एवं क्रिक ने, कब, 1953 के अंतर्गत। डीएनए का द्विकुंडलक मॉडल प्रस्तुत किया, ये भी अभी बताया है कि किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन एवं, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, खुद थोड़ा ध्यान में रख लेना इस क्वेश्चनों को, तो इसका राइट आंसर वाटसन एवं क्रिक, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सीयूईटी में थोड़े जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, बाकी सिंपल ही आते हैं। आरएनए जो सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है, आरएनए जो सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है, तो कौन सा आरएनए होता है जो सबसे कम समय तक क्या है, एक्टिव रहता है, तो वो है आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डीएनए रेप्लिकेशन में अग्ररज्जू पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस एंजाइम द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो एक किस एंजाइम द्वारा जुड़ते हैं, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ आरएनए विषाणुओं में एंजाइम के लिए एक जीन होता है, कुछ आरएनए विषाणुओं में एंजाइम के लिए एक जीन होता है जो कि वायरल आरएनए और डीएनए के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट बनाती है, तो कौन सी होता है, तो ये होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं, यानी इसकी फोटोकॉपी होती है, एक सेकंड, प्रतिकृतिकरण, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है वो प्रतिकृतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों जो स्टैंडर्ड है वो संरचना है वो सिंगल हो जाएंगी, ठीक है, इसमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के लिए खांचे का कार्य करता है, इस प्रकार का प्रतिकृतिकरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अर्धसंरचित प्रतिकरण कहलाता है, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटीकोडॉन पाया जाता है, एंटीकोडॉन कहाँ मिलेगा आपको, तो टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए में क्या मिलेगा, एंटीकोडॉन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वप्रतिकृति का गुण पाया जाता है, स्वप्रतिकृति का गुण कहाँ मिलेगा आपको, डीएनए के अंतर्गत मिलेगा, यानी खुद की ही फोटोकॉपी बनाने का गुण किसमें है, डीएनए में, और ऊपर क्या दिया था, प्रतिकृतिकरण, ठीक है, डीएनए से आरएनए, और स्वप्रतिकृति
किसे कहते हैं, ये डीएनए से डीएनए बनाने की क्रिया को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है, कोशिका तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं, ऐसा कौन सा तत्व है जो न्यूक्लिक अम्ल में तो मिलेगा और प्रोटीन में नहीं मिलेगा, कौन सा तत्व है? तो ये है आपका फॉस्फोरस, जो कि न्यूक्लिक में तो मिलेगा और प्रोटीन में नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विचक्रीय बलय संरचना किसके अणुओं में होती है, द्विचक्रीय बलय संरचना किसके अणुओं में होती है, तो ये होती है प्यूरिन के में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड अणु बनता है किससे बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड अणु है वो किससे बनता है, तो ये बनता है आपका नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। एक बार वापस देखिए इस क्वेश्चन को, न्यूक्लियोटाइड अणु किस किस से बनता है, किस किस से मिलकर बनता है, तो नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओकाजाकी खंड है तो न्यूक्लियोटाइड चैन के खंड जो डीएनए के रेप्लिकेशन के समय बनते हैं उसे क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पेस होता हुआ, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएँ तो क्या होता है, अगर कोशिका में जो राइबोसोम है वो नष्ट कर दिया जाए, पहले तो ये देखिए कि राइबोसोम का काम क्या होता है, कि प्रोटीन निर्माण होता है, तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, वो ये बात है, श्वसन का काम करता नहीं है, वसा का काम नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण का नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल करता है, ठीक है, श्वसन के लिए फेफड़े, बाकी वसा ये तो काम है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की रचना में चार घाप ने क्या देखा कि मनुष्य के शुक्राणु के डीएनए के बेसों की मात्रा में एडिनिन 81% गुआवानिन 19% था, अतः मनुष्य की कायक कोशिका में डीएनए में साइटोसिन की मात्रा होगी तो कितनी होगी साथियों, 19% होगी, कितनी साथियों 19%। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनी बेसों के किस एक जोड़ को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है, यानी देखिए जो ये है, ये तो देखो थाइमिन यूरेसिल प्रीमिडिन सही है, यूरेसिल साइटोसिन प्रीमिडिन सही है, ग्वानिन एडिनिन प्यूरिन ए भी सही है, एडिनिन थाइमिन प्यूरिन ए गलत है, तो इसका राइट आंसर हो डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं होता है, यानी डीएनए में कौन नहीं मिलेगा, तो देखिए सही, तो ग्वावानिन तो डीएनए में होता है, एडिनिन भी होता है और आपका साइटोसिन भी होता है और यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल की जगह आपका क्या मिलेगा साथियों, देखो ये तीन तो होते हैं डीएनए में, बाकी ये एक नहीं होता है यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल की जगह क्या होगा, थाइमिन, क्या होगा साथियों, थाइमिन, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीएनए पाया जाता है, डीएनए कहाँ मिलेगा आपको, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में और ए और बी दोनों में, तो देखिए डीएनए कहाँ मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं सर मुझे तो नहीं लग रहा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो गलत है, राइबोसोम में भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपका नाभिक में, ये गलत दे रखा है, ठीक है, आपका नाभिक में मिलेगा डीएनए और आरएनए बिल्कुल केंद्रक में ही तो मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 702, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करता है, तो आपको सभी को पता है कि डीएनए आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करता है और ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, बीमारी फैलाने वाले होते हैं, उनमें आरएनए, ठीक है, आरएनए होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया डीएनए, ठीक है। वह विधि जिससे केंद्रक का डीएनए आरएनए को संदेश स्थानांतरित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, यानी डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, सभी को पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 704, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात विभिन्न जातियों के डीएनए में स्थिर रहता है और चार घाप के नियम को प्रमाणित करता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिपिड से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं साथियों, और साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हमारा भी हौसला आप बढ़ाएंगे तो हम भी आपके लिए क्वेश्चन बार बार लाते रहेंगे।
ठीक है। तो इसमें देखिए घी व मक्खन में पाए जाते हैं, यानी घी और मक्खन में क्या मिलेगा आपको, संतृप्त बसी अम्ल, यानी जितने भी चिकने पदार्थ हैं, जितने भी चिकनी चीज़ें हो उसमें क्या मिलेगा, देखिए सामान है तो उसमें बसा मिलेगी, आपके घी तेल है इसमें बसा मिलेगी, तो आपका यहाँ राइट आंसर है बसी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त बसी है घी और मक्खन में, ठीक है। आवश्यक बसी अम्ल है, आवश्यक बसी अम्ल की बात करें तो लिनोलिक अम्ल क्या कहलाता है, आवश्यक बसी अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा आवश्यक बसी अम्ल नहीं है, बसी अम्ल नहीं की बात कर रहा है, तो आवश्यक बसी अम्ल स्टियरिक नहीं है, बाकी लिनोलेनिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, एराकिंडोनिक अम्ल है, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा किस यौगिक में पाई जाती है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ मिलेगी आपको, तो बसा के अंदर, क्योंकि बसा से पढ़ रहे हैं तो बसा के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा किस यौगिक में पाई जाती है। वैसे मेरे हिसाब से होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, बाकी आप इस क्वेश्चन में डाउट है और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिनोलेनिक अम्ल असंतृप्त बसी अम्ल है जिसका उत्तम स्रोत है, उत्तम स्रोत क्या है, तो इसका उत्तम स्रोत सूरजमुखी का तेल। लिनोलेनिक अम्ल का उत्तम स्रोत क्या है, सूरजमुखी का तेल, और ये कैसा है, असंतृप्त बसी अम्ल। एराकिडोनिलिक अम्ल है, ये किस प्रकार का अम्ल है, बहु असंतृप्त बसी अम्ल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्तनधारियों में ऊष्मा रोधी पदार्थ का कार्य करते हैं, ऊष्मा रोधी पदार्थ का कार्य कौन करते हैं, तो बसा ही करते हैं। अगर जिसके, जो कोई भी व्यक्ति मोटा है उसके अगर बॉडी पे बसा ज़्यादा होगी तो उसको देखो ठंड भी कम लगेगी और गर्मी भी कम लगेगी, क्योंकि उसकी चर्बी तापमान को रोक लेगी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बसा मिलती है महिलाओं के अंदर, तो उसको सर्दी कम लगती है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इसमें ये एक अच्छा सा फैक्ट बताऊं कि जिस शादी ब्याहों में जो पुरुष लोग होते हैं वो पूरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं यानी फीमेल होते हैं वो हाफ कपड़े, क्योंकि सर्दी है फिर भी हाफ कपड़े, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको सर्दी कम है, क्यों, उनके अंदर फैट ज़्यादा होती है, ठीक, समझ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बसा के बीटा ऑक्सीकरण के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है, बसा के बीटा ऑक्सीकरण के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ की बात करें तो बसा अम्लों के कोएंजाइम, ठीक है। ट्राइओलियन को ट्राई स्टीरेरिन किस विधि द्वारा बदलते हैं, ठीक है, तो ये किसी विधि द्वारा बदलते हैं, तो हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राणियों में लिपिड संग्रहित रहता है, कहाँ संग्रहित रहता है, तो ये आपका संग्रहित रहता है अस्थि मज्जा में, नहीं बिल्कुल गलत है, तंत्रिका ऊतक में, नहीं बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये और नहीं, तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो गया। फिर कहाँ संग्रहित रहता है लिपिड, तो ये आपकी बॉडी, बॉडी के जो बाह्य त्वचा होती है वहाँ संग्रहित रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता है, किस फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता, तो ये आपका स्फेग्नोमाइलिन्स, ठीक है, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संतृप्त बसी अम्ल युक्त बसा साधारण ताप पर होती है, संतृप्त बसी अम्ल युक्त बसा साधारण ताप पर होती है, तो ठोस एवं द्रव अवस्था में होती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जो बसा है वो किस रूप में मिलेगी, ठोस एवं द्रव अवस्था में। जैसे आप घी को देख सकते हैं नॉर्मल तापमान पर ठोस और द्रव अवस्था में मिलेगा, यानी नॉर्मल सा ठोस मिलेगा और द्रव अवस्था में मिलेगा। खाद्य तेलों में पाया जाता है, खाद्य तेलों में क्या पाया जाएगा, आप सभी को पता है कि असंतृप्त बसा मिलेगी खाद्य तेलों में, यानी खाद्य का मतलब खाने वाले तेलों में असंतृप्त बसा। लेसिथिन, लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है, क्या मिलेगा, लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। सबसे जरूरी आवश्यक बसा है, सबसे जरूरी आवश्यक बसा कौन सी है, तो लिनोलिक अम्ल, सबसे जरूरी आवश्यक बसा अम्ल है लिनोलिक अम्ल, ठीक है। कभी इसको मत कर जाना, कन्फ्यूज हो जाए कि लिनोलेनिक अम्ल है, ठीक है, इसका लिनोलिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद बात करें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोलिपिड का उदाहरण है, क्रोमोलिपिड का उदाहरण है आपके सामने है केरोटीन एंड जैंथोफिल, किसका उदाहरण है, क्रोमोलिपिड का उदाहरण है केरोटीन एंड जैंथोफिल, क्रोमोलिपिड का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बसा में अधिकांशतः पाया जाने वाला एल्कोहल अणु है, एल्कोहल अणु कौन सा है, तो ये है ग्लिसरॉल, बसा में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में एल्कोहल अणु कौन सा है, ग्लिसरॉल है, कौन सा साथियों, ग्लिसरॉल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिपिड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिपिड नहीं है, तो ये लिपिड नहीं है लाइसिन, बाकी आपके सिपेलिन और लेसिथिन और सेरिब्राइम,
सेरिब्रोसाइड, ये सारे लिपिड हैं, ठीक है, ये लाइसिन लिपिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में विद्यमान विभिन्न प्रकार से समस्त अणुओं के संग्रह को कहते हैं, कोशिका में विद्यमान विभिन्न प्रकार के समस्त अणुओं, विभिन्न प्रकार से समस्त अणुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिकीय कुंड। क्या कहते हैं साथियों? कोशिकीय कुंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युतरोधी तंत्र का कोशिका के अंतर्गत माइलिन आच्छादन पाया जाता है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? सी ऑप्शन, स्पगोमाइलिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसाइथिन की कमी से, लेसाइथिन की कमी से यकृत संबंधित रोग होता है, कौन सा रोग होता है? यकृत यानी लीवर से संबंधित जो रोग होता है वो लेसाइथिन की कमी से होता है, ठीक है। बसी अम्ल के एस्टर कहलाते हैं, बसी अम्ल के एस्टर क्या कहलाते हैं साथियों? तो बसी अम्ल के एस्टर ग्लिसरॉइड, एसाइल ग्लिसरॉइड और उदासीन बसा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के लिए आवश्यक बसी अम्ल होते हैं, स्तनियों के लिए आवश्यक बसी अम्ल होते हैं, तो लिनोलिक एवं एराकिंडोलिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीव जंतुओं तथा पौधों में सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित खाद्य है, जीव जंतुओं तथा पौधों में सबसे महत्वपूर्ण आरक्षित खाद्य है, तो सबसे महत्वपूर्ण बसा, ठीक है। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक बसा है, तो रुधिर स्कंदन के लिए सेपेलिन आवश्यक बसा है, ठीक है, कौन सी? सेपेलिन। इसके बाद आपके ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब चक्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, यानी ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब चक्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम जो है उसकी बात करेंगे, ठीक है, इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये आपका मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस में, पाइरूविक अम्ल कहाँ मिलेगा? ग्लाइकोलाइसिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा साथियों? ग्लाइकोलाइसिस में मिलेगा। इसके बाद क्रैब चक्र होता है, ये कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का दूसरा नाम अदात्री भी बोलते हैं, ठीक है साथियों, तो मैट्रिक्स में क्या मिलेगा? क्रैब चक्र भी मिलेगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रैब चक्र के मध्य कौन सी कड़ी है, यानी योजक कड़ी की बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब चक्र को जोड़ने वाली कड़ी जो कौन सी है, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण है, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण क्या है? ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में बदलना, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है? ग्लूकोज जो है उसको किस में बदलता है? पाइरूविक अम्ल में बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र के सक्सीनेट स्तर पर हटने वाले हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, क्रेब्स चक्र के सक्सीनेट स्तर पर हटने वाले हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर एफएडी द्वारा, किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? एफएडी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का सामान्य स्रोत है, कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का सामान्य स्रोत है, तो आपकी ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या है? एटीपी। इसके बाद बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है, तो ये होता है आपका आंतरिक झिल्ली में, इलेक्ट्रॉन परिवहन अभिगमन तंत्र आंतरिक झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया की में, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोश की कार्य पद्धति में जहां ऑक्सीजन सीधे ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? कोश की कार्य पद्धति में जहां ऑक्सीजन सीधे ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने पेश होता हुआ, और साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मनुष्य की लाल रुधिराणियों में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? बिल्कुल आरबीसी की बात हो रही है, तो मनुष्य की आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन मिलेगा आपको? तो वायवीय श्वसन। आरबीसी में कौन सा श्वसन मिलेगा साथियों? वायवीय। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन की सामान्य अवस्था है, ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन की सामान्य अवस्था है, तो कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कौन सी है साथियों? ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब पाइरूविक अम्ल के एक अणु के अनऑक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है, द्वारा देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जब पाइरूविक अम्ल के एक अणु के अनऑक्सी श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है तो 6 ATP अणु की हानि होती है। कितने ATP अणु की हानि होती है? 6 ATP अणु की हानि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट एवं बसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रैब चक्र एवं बसी अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है, कौन सी कड़ी होती है? तो ये अभी बात की थी, पहले भी क्वेश्चन रिपीट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूकैरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। कितने एटीपी बनती हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात? तो ये बनती है आपकी 36 एटीपी। कितनी बनती है साथियों? 36 एटीपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कौन सा है? एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट कौन सा है? एथाइल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, श्वसन की सही समीकरण कौन सी है? श्वसन की सही समीकरण की बात करें तो देखिए, आपके जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। इसमें जब ऑक्सीजन ले जाती है तो O2, ठीक है, इसमें ग्रहण करके क्या मिलेगी आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं, जल भी प्राप्त होगा और 685 किलो कैलोरी क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 685 नहीं, 686 मिलेगी किलो कैलोरी, ठीक है। और यहाँ जो इसको और इसको संतुलित करेंगे तो संतुलन में नहीं बैठेगा, यहाँ बैठ रहा है 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ये ऑप्शन, यानी C6H12O6 और 6O2, इससे बनेगा आपका 6CO2 और प्लस 6H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, EMP पथ के दौरान कुल ATP का उत्पादन होता है, तो EMP पथ के दौरान को कितनी ATP का निर्माण होगा? तो ये होगा आपकी 8 ATP का निर्माण। और ATP का पूरा नाम पूछा जाए तो एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, O2 बिल्गन चक्र होता है, O2 बिल्गन चक्र किस प्रकार का होता है? तो सिग्मोइड टाइप का होता है। O2 बिल्गन चक्र किस प्रकार का होता है? सिग्मोइड टाइप का होता है। श्वसन किस सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश एवं अंधेरे दोनों में होता है। आप सभी को पता है कि श्वसन अपन सांस अंधेरे में भी लेते हैं और उजाले में भी लेते हैं, और सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, यानी मृत कोशिकाओं में कहाँ मिलेगा? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो श्वसन करता ही नहीं है, तो वहाँ कोशिकाएं डेड हो गई हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका में श्वसन का स्थल है तो देखिए साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया है जो श्वसन का स्थल है, ठीक है। आपका राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, कोलजी का परिवहन का कार्य करता है, केंद्रक जो है वो बॉडी कहा जाता है, सेल का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को, यानी मेंटेन करता है कोशिका को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होती है, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगी, कहाँ उपस्थित होगी साथियों? कोशिका द्रव्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो ये होता है आपका क्रैब चक्र में। कहाँ होता है साथियों? क्रैब चक्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यक होती है तो O2 की आवश्यकता होती है। एटीपी निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टॉपिक से बनते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेट्रिक्शन एंजाइम की खोज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि खोज किसने की, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कार्य क्या है रेट्रिक्शन एंजाइम का। तो देखिए, रेट्रिक्शन एंजाइम की जो खोज की थी, स्मिथ और नॉर्थ ने की थी। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट रेट्रिक्शन एंजाइम है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा साथियों। तो रेट्रिक्शन जो एंजाइम है उसकी बात करें, जो रेट्रिक्शन एंजाइम है वो ऐसे एंजाइम, रेट्रिक्शन एंजाइम किसे बोलते हैं? ऐसे एंजाइम डीएनए में केवल एक विशेष क्रम, डीएनए को केवल एक विशेष क्रम से क्या करेंगे? काटेंगे। डीएनए के एक विशेष क्रम वाले फास्फेट बंध को तोड़ते हैं और इसके पुनः प्राप्य आकार में खंड कर देते हैं। यानी मैंने सही कहा था कि यानी ये तोड़ते हैं, डीएनए के खंड करते हैं, ये डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड, और इसको तोड़ेंगे कहाँ से? फॉस्फेट डाइएस्टर बंध से। तो इसमें जो ये टुकड़े किए हैं वो किसने किए हैं? ये रेट्रिक्शन एंजाइम ने किए हैं, ठीक है। इसके बाद लाइगेज एंजाइम का कार्य पूछें, तो लाइगेज एंजाइम डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना, यानी रेट्रिक्शन तो डीएनए को तोड़ेगा, टुकड़ों में बांटेगा, और जो लाइगेज है वो डीएनए के टुकड़ों को कहाँ करेगा? एक टुकड़ों को जोड़ेगा, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
निम्नलिखित में से काइमेरिक डीएनए है, निम्नलिखित में से काइमेरिक डीएनए की बात करें तो आरडीएनए कैसा डीएनए है, काइमेरिक डीएनए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की सर्वाधिक आधुनिक शाखा है, जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की सर्वाधिक आधुनिक शाखा है जिसमें अध्ययन होता है, जीव विज्ञान की जैव प्रौद्योगिकी सर्वाधिक आधुनिक भाषा नहीं आधुनिक शाखा है जिसमें अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है तो आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अध्ययन होगा, बिल्कुल जैव रसायन का अध्ययन होगा, सूक्ष्म जैविकी अध्ययन होगा, तो इन सभी का अध्ययन कहाँ मिलेगा आपको, जैव प्रौद्योगिकी में मिलेगा, ठीक है, और बायोलॉजी की तो शाखा है ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट सा है, देखिए मिलान करना है, तो देखिए टर्मिनल ट्रांसफेरेज, टर्मिनल ट्रांसफेरेज हाइड्रोजन बंध द्वारा दो भिन्न, ठीक है, तो इसका मिलान होगा फर्स्ट का थ्री से। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड है, डीएनए लाइगेज क्या करता है आप सभी को बताया, जोड़ता है, तो इसका क्या होगा, डीएनए खंडों को जोड़ना, और नियंत्रण एंजाइम क्या करता है, जो नियंत्रण एंजाइम है वो क्या करता है साथियों, तो वो डीएनए खंड को काटेगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम क्या करेगा, ये क्या करेगा, सी डीएनए का निर्माण करेगा, ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी बताया था रेट्रेक्शन एंजाइम, ठीक है, नियंत्रण एंजाइम का रेट्रेक्शन एंजाइम दूसरा नाम है, रेट्रेक्शन एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे सामने है कि पॉल बर्ग ने किस जीवाणु में वायरस के डीएनए को रोपित किया था, पॉल बर्ग ने किस जीवाणु में वायरस के डीएनए को रोपित किया था, यानी वायरस के जीवाणु को कहाँ, डीएनए को, वायरस के डीएनए को किस में, जीवाणु में, तो किस पॉल वर्ग ने, ये पॉल वर्ग साइंटिस्ट ने, और किस जीवाणु में, यानी कौन सा जीवाणु था, और वायरस के डीएनए को क्या किया था, रोपित किया था यानी अंदर डाला था, तो ये कौन सा जीवाणु था आपका, तो ये था आपका ई कोलाई जीवाणु जो मनुष्य की आंत्र में भी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ई कोलाई जीवाणु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एंटीबायोटिक्स का उपयोग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है साथियों, तो ये किया जाता है आपका वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में, वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कब और कहाँ सर्वाधिक बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया, कब और कहाँ सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था, तो ये किया था 1920 में, तो किया गया था कहाँ, यूएम में, ठीक है, यूएसए होगा साथियों, यूएसए कर लेना, यूएम तो यहाँ गलत दे रखा है। लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है, लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री है वो जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है, तो ये मिलेगा आपका दिल्ली में मिलेगा साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके बाद प्रकनली में पुनर्योजन साथियों प्रकनली में पुनर्योगज डीएनए का सर्वप्रथम निर्माण किया था, तो ये किया था आपका पॉल बर्ग ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पॉल बर्ग ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सफलता का कारण है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी सफलता का कारण क्या है, कि जीवाणुओं के प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस का पृथक्करण, जीवाणुओं के प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस का पृथक्करण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन इंजीनियरिंग संभव नहीं हो पाती यदि अनुपस्थित होता है, यदि क्या अनुपस्थित हो तो जीन इंजीनियरिंग संभव नहीं होगी, तो ये है आपका डीएनए लाइगेज अगर अनुपस्थित होगा तो जीन इंजीनियरिंग संभव नहीं हो पाएगी। भारत में जैव तकनीक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, भारत में जैव तकनीक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1988 में, कब हुआ साथियों 1988 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीन अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्लाज्मिड्स का, किसका साथियों प्लाज्मिड्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रेट्रेक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु विखंडन किन स्थानों पर काटता है, किन स्थानों पर काटता है, तो विलोम पदों पर, किन स्थानों पर करता है, विलोम पदों पर करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पेश होता हुआ कि सूची ए और सूची बी को क्या करना है, सुमेलित करना है, तो देखिए प्लाज्मिड क्लोनिंग कारक है, प्लाज्मिड क्या है, क्लोनिंग कारक है, तो इसका 4 से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन आपकी जो है वो वैक्सीन अक्रिय सूक्ष्मजीव है, वैक्सीन क्या है, अक्रिय सूक्ष्मजीव, और बायोचिप क्या है,
ये बायोचिप की बात करें तो बायोचिप आपकी है सिलिकॉन टुकड़ों पर डीएनए का क्रम, सिलिकॉन टुकड़ों पर डीएनए का क्रम है। इसके बाद बायोगैस मीथेन उत्पादन जीवाणु, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं, ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं तो कौन है, चूहे। मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर इंजेक्शन अगर कोई दवाई आती है तो सबसे पहले किस पर टेस्ट की जाती है, तो वो की जाती है आपकी चूहों पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई टैबलेट बनी है, कोई इंजेक्शन बनाया है, तो सबसे पहले चूहों में लगाया जाता है, उसके बाद उसके लक्षणों को देखा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा का नाम, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा का नाम क्या है, तो ये है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन कैंसर की दवा का नाम है इंटरफेरॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए साथियों, ऑरवर, ऑरवर की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कूट। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपके सामने नाथम स्मिथ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम पहचाना था। इसके बाद टेमिन नामक जो साइंटिस्ट हैं, टेमिन ने क्या किया था, इसने किया था, इस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, ये एक सेकंड थोड़ी गलती होगी, ऑरवर ने डीएनए प्रतिबंध एंजाइम का अस्तित्व बताया था। इसके बाद नाथम स्मिथ ने क्या बताया था, इसने बताया था प्रतिबंध एंजाइम का पृथक्करण। इसके बाद टेमिन, टेमिन साइंटिस्ट ने क्या बताया था साथियों, तो टेमिन साइंटिस्ट है उसने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कूट के बारे में, जो सेगर है उसने डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम पहचाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में कब किया गया, सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में कब किया गया था, तो ये किया गया था 1973 में, कब किया गया था साथियों, 1973 में। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जीवाणुओं का किस पदार्थ के व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जीवाणुओं का किस पदार्थ के व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है इंसुलिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के 5' या 3' सिरों पर न्यूक्लियोटाइड को पृथक करने वाला एंजाइम है, तो ये इसका राइट एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी डीएनए दो खंडित होता है, नहीं नहीं दो खंडित नहीं, डबल स्टैंडर्ड, तो इसमें एक तो 3' से 5' और एक 5' से 3', तो इसमें जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो क्या करता है, पहचान करता है, ठीक है, किसकी, 3' और 5' सिरों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीन क्लोनिंग हेतु प्लाज्मिड आदर्श वाहक क्यों कहलाते हैं, जीन क्लोनिंग हेतु प्लाज्मिड आदर्श वाहक क्यों कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ये जीवाणु कोशिका के भीतर स्वतः प्रतिकरण कर सकते हैं, ये जीवाणु कोशिका के भीतर क्या कर सकते हैं, स्वतः प्रतिकरण कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रोमोसोम एंड वेरिएशंस से बनने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स का है, ठीक है। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, किसके साथियों, जीन डीएनए के बने होते हैं। इसके बाद बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं, जैसे कि कोशिका में तो विभाजन हो गया लेकिन गुणसूत्रों में विभाजन नहीं हुआ तो उस विभाजन को कहेंगे असूत्री विभाजन, क्या कहेंगे साथियों, असूत्री विभाजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय होता है, तो किस कोशिका विभाजन में होता है, तो ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन में। और ये भी बता दूं कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन मिलेगा आपको देखने को, अर्धसूत्री, बाकी सभी जगह समसूत्री मिलेगा, ठीक है। जैसे आपकी त्वचा में चोट लग गई, आप कट गए, तो वहाँ समसूत्री विभाजन मिलेगा, और जनन कोशिका में जो जनन के समय विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसके बाद एल आकार के गुणसूत्रों को कहते हैं, एल आकार के गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, सब मेटासेट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, सब मेटासेट्रिक बोलते हैं। गुणसूत्रों के अंतिम सिरे को कहते हैं, गुणसूत्रों के अंतिम सिरे को क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं साथियों, यानी टीलो टेल की बात कर लें, टेल कहाँ होती है, लास्ट में, तो गुणसूत्रों का अंतिम सिरे टीलोमियर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूक्लियोसोम निर्मित होते हैं, न्यूक्लियोसोम जो निर्मित होते हैं, एक सेकेंड, न्यूक्लियोसोम स्टोन प्रोटीन से, स्टोन हो जाएगा, ठीक है, स्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम किससे निर्मित होते हैं साथियों, स्टोन प्रोटीन से। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यानी आनुवंशिक तौर से क्या होंगे, नियंत्रित होंगे, कंट्रोल होते हैं। यह सबसे पहले निम्नलिखित में से प्रमाणित किया था, किस साइंटिस्ट ने प्रमाणित किया था? तो ए ई गेरार्ड ने प्रमाणित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होती है, इनमें से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होती है? तो एल्केटोनी नूरिया, ल्यूकोमिया और अरक्तता, जो आनुवंशिक द्वारा कंट्रोल होती है, आनुवंशिकी द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। ये सभी बीमारी जो है आनुवंशिकी है, जेनेटिक जेनेटिकली है, तो ये सभी बीमारी क्या है, नियंत्रित होती है आनुवंशिकी द्वारा। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुणसूत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका बाल्डियन ने। किसने साथियों? बाल्डियन नामक साइंटिस्ट ने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं, यानी गुणसूत्र की संरचना में भाग कौन लेते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन कौन भाग लेते हैं गुणसूत्र की संरचना में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में कितने विभाजन होते हैं? दो विभाजन होते हैं, एक न्यूनकारी विभाजन और दूसरा होता है एक सूत्री विभाजन। यानी दो विभाजन कौन कौन से होते हैं? एक तो न्यूनकारी विभाजन और एक सूत्री विभाजन। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं, माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं, तो क्रोमोसोम द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा माता पिता के जो गुण हैं वो संतान में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुणसूत्र के उस युग्म की जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं, अन्य गुणसूत्रों को क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स बोलेंगे। और यानी ऑटोसोम्स गुणसूत्र के उस युग्म की जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, और अन्य गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलेंगे। यानी जो एक्स वाई हैं उन्हें तो क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र। यानी मादा में जो एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होते हैं, तो इन्हें तो लिंग गुणसूत्र। और जो इसके बाद यानी गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी, और जो बचे कुछ 22 जोड़ी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं साथियों? ऑटोसोम्स। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है, एक गोरी महिला है वो किस पुरुष से, आजकल यही हो रहा है, जिसकी सरकारी नौकरी है वो काला है, वो गोरी महिला से शादी करेगा। उसके 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियां, किस समानुपात में यह बच्चे काले होंगे? तो ये होंगे 50%, क्योंकि देखो उधर अगर 100% देखा जाए दोनों में, तो देखो 50% तो गोरा है और 50% काला है, तो 50-50% की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिलान करना है, मैचिंग करनी है, तो देखिए जाइगोटीन, जाइगोटीन की मैचिंग करेंगे अपन, तो इसकी मैचिंग करेंगे 3 से, सूत्र युग्मन से। ठीक है, जाइगोटीन सूत्र युग्मन। इसके बाद पैकाइटीन की बात करें, तो पैकाइटीन आपकी चतुष्टक निर्माण में भाग लेती है। इसके बाद डिप्लोटीन की बात करें, प्रोटीन है ये सारी, डिप्लोटीन प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन है जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेती है। इसके बाद डायकाइनेसिस की बात करें तो क्रोमेटिड्स पृथक्करण में भाग लेती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रोमेटिन को अविशिष्ट न्यूक्लियस से मिलाया जाता है, जब क्रोमेटिन प्रोटीन को अविशिष्ट न्यूक्लियस से मिलाया जाता है, तब डीएनए की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यादृच्छिक संख्या आधार जोड़ी, यादृच्छिक संख्या आधार जोड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके